अच्छा मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, व्हाट आर दे सपोज टू डू अबाउट इट, व्हाट एम आई सपोज टू टीच नाउ, व्हाट इज ही सपोज टू, व्हाट इज ही सपोज टू डू फॉर यू। शाबाश, बताएं ये सेंटेंस सही है या गलत है। अरे आप नहीं आइडिया, चलें। अच्छा मैं आप लोगों को थोड़ी सी ट्रिक दूंगा इस स्ट्रक्चर में, ये क्योंकि काफी बच्चे इसमें परेशान होते हैं। एक पार्ट में हमारा लफ्ज होता है सपोज, दूसरे पार्ट में हमारा वर्ड होता है सपोज टू, ये दो पार्ट है। अच्छा काफी लोग ये समझते हैं कि ये दोनों जो पार्ट हैं ये दोनों पार्ट सेम है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इन दोनों पार्ट्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ये दोनों इंटायरली डिफरेंट है। व्हेन वी टॉक अबाउट सपोज टू, वी शुड ऑलवेज यूज वाज, वाज वर आर इज एम आर। ये जो मैंने चीजें लिखी हैं इसके अलावा आप इसके साथ कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनके अलावा। समझ आ रहा है? नहीं इनके अलावा आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें यही इस्तेमाल करने हैं, वाज वर इज एम आर। जब हम बात करते हैं सपोज, ये वाला जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया, वाज वर इज एम आर। ये समझाता हूँ आप लोगों को, यहाँ इसको मैं नीचे कर देता हूँ जैसे आपको आसानी हो जाए समझने में, क्योंकि काफी बच्चे परेशान होते हैं। फिर आते हैं दी फॉर्म ऑफ वर्ब शुड ऑलवेज बी फर्स्ट। जो वर्ब की फॉर्म है, ये वाला जो मैंने वर्ड लिखा है वर्ब, ठीक है, इसकी फॉर्म हमेशा कौन सी होगी? इसकी फॉर्म हमेशा फर्स्ट होगी, ये चीज भी समझनी है, फर्स्ट फॉर्म होगी हमेशा। आप कभी भी इसके साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। नीचे मैंने आप लोगों को सेंटेंसेस दिए हैं समझाने के खातिर, ये मैंने सेंटेंसेस दिए हैं, लेकिन क्योंकि आप लोगों को आइडिया नहीं है इसलिए आप हाँ ना कर रहे हैं, ना भी नहीं कर रहे, बिकॉज यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट ऑल दीज थ्री सेंटेंसेस। इस वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, यू आर बिट कंफ्यूज। अब जो मैंने ऊपर लिखा इसको मैं करता हूं कॉपी, कॉपी करके हम रखते हैं नीचे, ये मैं मिटा देता हूं सारे, क्लियर। अब मैंने ऊपर आपको बताया कि ये जो सपोज वर्ड है इस सपोज का उस सपोज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। इसको ब्लैक कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं ब्लू, ठीक हो गया, इसको हम कर देते हैं ब्लू। तो जब हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो उस वक्त हमें इस चीज को समझना है कि ये बेसिकली कर क्या रहा है। एक सेंटेंस आप बना सकते हैं इसका? शाबाश, बताएं, कोई भी बच्चा एक सेंटेंस बनाए। अरे आप एक सेंटेंस बनाए इसका।
ठीक है, एक सेंटेंस बच्चे ने बनाया है, वी आर सपोज टू वर्क हार्ड। ठीक है, दूसरा सेंटेंस बच्चे ने बनाया है, दो स्टूडेंट ने बनाया है। ठीक हो गया, चलें। तो इट मींस के दो स्टूडेंट्स को आइडिया है। तो हमने फॉर्मेट जब लिखना है, फॉर्मेट जब लिखना है फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वास और वर। ठीक हो गया, उसके बाद सपोज इस्तेमाल करेंगे, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वीडियो बंद कर दें भाई, फरहान। चलें, तो अब आप लोगों को आइडिया हो गया कि ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर अगर आपको समझ आ गया तो आराम से कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम सब्जेक्ट अगर ही लिख रहे हैं, ही हम लगा के सपोज कहेंगे, ही सपोज टू वेट फॉर मी, बस इस तरह। यू आर सपोज टू वेट फॉर मी, ठीक है। आई एम सपोज टू गो नाउ, टीच यू नाउ। इसी तरह यहाँ पे आवाज और वर्ग का इस्तेमाल करेंगे, बस ये है। लेकिन हमारे यहाँ मसला हो रहा है ये वाला सपोज। अच्छा, इसका हम प्रेजेंट किस तरह बनाएंगे, इसका क्या प्रेजेंट में हम खाली सपोज लगाएंगे? ये बच्चे पूछते हैं कि सर अगर हमें प्रेजेंट में बनाना हो, क्योंकि पास्ट भी होता है ना, इसके दो स्ट्रक्चर हैं, एक प्रेजेंट होता है दूसरा पास्ट होता है। तो बच्चे पूछते हैं कि सर जब अगर हमें, हम कहें आई सपोज टू वेट फॉर यू, ये सेंटेंस सही है, शाबाश बताएं। प्रेजेंट में हम इस तरह बना सकते हैं, वालेकुम सलाम, आई सपोज टू वेट फॉर यू कह सकते हैं, अगर हम प्रेजेंट में बनाना हो, क्योंकि देखें कंफ्यूजन है ना। बच्चों को है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ये है कि बच्चे समझते हैं कि ये जो सपोज वर्ड है ना, ये थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये बच्चे ये समझते हैं, जो बेसिकली गलत है, गलत परसेप्शन है। थर्ड फॉर्म वाला जो वर्ड आप कह रहे हैं, ये गलत परसेप्शन है। क्लियर हो गया ना? बंद करें भाई, तो क्लियर, वीडियो बंद करो। जिसमें हम कहते हैं सपोज करो अगर ये होता, सर ये सेम है या डिफरेंट है? हाँ वो समझाता हूँ, वो जो निर्मला सवाल कर रही है ना, इस पे भी मैं आ रहा हूँ, वो भी समझाता हूँ, क्योंकि ये हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो सपोज वर्ड है ये सिर्फ ब्यूटीफाई, इंग्लिश को ब्यूटीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है सपोज। लेकिन जो निर्मला सवाल कर रही है वो मैं आप लोगों को बताता हूं, वो बेसिकली क्या है सपोज। तो यहां दो डॉट देंगे, यू आर गोइंग टू कराची टुमारो, विल यू बाय अ बुक फॉर मी? सपोज यू गेट लेट, विल द टीचर इम्पोज फाइन?
तो जो वर्ड है ना, फॉर एग्जाम्पल शी डजंट रिप्लाई यू, विल यू गेट एंग्री? तो यहाँ जो फॉर एग्जाम्पल है, इसकी जगह हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सपोज। लेकिन फर्क क्या है सपोज और फॉर एग्जाम्पल में, फर्क क्या है, ये कोई मुझे बताएगा?